नमस्ते, हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। शनिवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है दो ओरेकल। जनरल रीडिंग है सो कीप एन ओपन माइंड। जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में जहां पर भी राशियां एप्लीकेबल होती है हम कोशिश करते हैं सभी राशियां बताने की, ठीक है। ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल बंद मत कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, आपको डेफिनेटली जवाब मिल जाएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलो करते हैं हम टैरो के शफलिंग से शुरुआत और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कुछ और बार शफल। एंड हियर वी गो। फर्स्ट द हायरोफंट, यानी कि टॉरस, ठीक है, ये हम यहाँ पे रखते हैं। सेकंड जो कि है टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड जो कि है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। फिफ्थ आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यानी कि टॉरस। वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि। चलो पांच कार्ड तो हमने चुन लिए हैं, दो कार्ड और चुनते हैं, द मून एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। तो टोटल हमें सात कार्ड्स मिल चुके हैं, हमने यहाँ पे कार्ड सारे रख दिए हैं। आई होप कि आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं रीडिंग की। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है हमें हायरोफेंट, यानी कि मेजर अरकाना का कार्ड। जब भी हमें लॉजिकल जवाब नहीं मिलते या फिर हमारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं बाकी के टैरो के कार्ड से नहीं मिलते तो हम मेजर अरकाना की तरफ बढ़ते हैं। ये उनमें से ही एक कार्ड है जहां से हमें बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल होती हैं। सो देखते हैं आज हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो पहला ही कार्ड आ गया है हायरोफंट, जो कि टॉरस का कार्ड है, वृषभ राशि, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इसके ऊपर सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन चाहेगा कि आप इसकी बातों को समझें। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें जो है उनमें संतुलन बनाने की। अब चाहे जो इशू हैं वो अगर इनके ऑफिस लोकेशन के बारे में है या फिर इनके फैमिली के बारे में है या फिर किसी हेल्थ फाइनेंशियल बारे में हो सकता है, तो ये कोशिश कर रहे हैं उस इशू को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, मिटाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो फैमिली के साथ कोई अनबन है तो फैमिली से बात कर रहे हैं, यू नो, उस इशू को सुलझाने के लिए। सो ऐसे कई सारी कोशिशें हैं जो ये पर्सन कर रहा है। बट एक चीज़ जो यहाँ पे जाननी काफ़ी ज़रूरी है, ये पर्सन शांति बनाए रखे हुए हैं। बिल्कुल भी हमें ये पर्सन धांधली में नहीं दिख रहा है। ये हर जो काम है या फिर हर जो स्टेप है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही कर रहा है। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जहाँ पे ये बहुत जज्बाती हो रहा है और सडनली उसने कोई डिसीजन ले लिया है। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। तो ये आपको एक अच्छा मौका दे रहा है जहाँ पे आप इसको अगर चाहें तो अपनी तरफ से जज भी कर सकते हैं। हालांकि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, बट उसके साथ क्या आप बीती है यही बस आपको वो सुना रहा है। साथ में है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो उसके हिसाब से आप दोनों का जो रिश्ता है वो ऐसे फेज में आ पहुंचा है जहां पे आपके साथ खुश है। अगर हम बात करते हैं अभी की, आज के दिन की, ये काफी खुश है आपके साथ, खुद को काफी रिलैक्स महसूस करते हैं आपके साथ, खुद को परेशानियों से दूर महसूस करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, यू नो। तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे देख पाते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपका दिल दोबारा से जीतने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उनको पता है कि पहले से ही इन्होंने आपका दिल जीत लिया है। आपके साथ उनको महसूस होता है प्यार प्लस पावर एंड प्लस विश्वास, कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, इसलिए तो आप दोनों यहाँ तक आ चुके हो। अगर हम बात करते हैं टेन ऑफ पेंटाकल्स की, तो हाँ कोई कोई व्यक्ति जो है वो सारी खुशियां पा चुका है आपके साथ, चाहे वो फैमिली की खुशी हो, यू नो, या फिर वो कमिटमेंट की खुशी हो, या फिर वो फाइनेंस की खुशी हो, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वो आज भी कायनात से यही मांगते हैं कि मेरी यही एक इच्छा है कि सब चीजें सही हो जाए,
ठीक है। हालांकि यहाँ पे बात आती है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की, जेमिनाय, लीब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे हमें चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखती है। क्या है वो चीज़ें? देखो ये पर्सन कह रहे हैं कुछ चीज़ें जो होती है, फिर कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम निर्धारित नहीं कर सकते। सडनली अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही, मान लो अगर इनका जो प्लान है मिलने का आज का, वो अगर किसी कारण से पोस्टपोन हो रहा है, या फिर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो रही है, अचानक से इनको किसी का जो ड्रामेटिक हम कह सकते हैं एंट्री सहन करनी पड़ रही है, फिर कोई अगर इनको अपोज कर रहा है, दोनों के रिश्ते को अपोज कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों को लाइटली लेने के बारे में पर्सन आपको हिदायत दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी बात को आपको समझना है। साथ में हमें दिख रहा है नाइन ऑफ सोर्स, तो अगर आपको लग रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो कि अगर दुखों से घिरे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी उसी श्रृंखला में आते हैं। इनको भी ऐसी समस्या आती है जहाँ पर नींद ना आना, या फिर बार बार सोचना अभी तक क्यों चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही है, ये भी समझना। साथियों देखो यहाँ पे हमें टेन ऑफ पेंटेकल्स मिला है, लेकिन वो उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके साथ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हालांकि अगर आप आज के लिए काफ़ी खुश हैं तो ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए है, लेकिन जिनके जीवन में एक चक्रव्यूह चल रहा है कि यू नो हर बार कोई ना कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, चाहे कितनी भी कोशिश करे ये चीज़ लौट के आती है, अब हम क्या करें, वहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स आता है। चिंताएं हैं, परेशानी हैं जो यहाँ पे क्लियरली दिखती हैं। हालांकि यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी थोड़े से इश्यूज दिखते हैं, तो हो सकता है आप दोनों के दिल साफ हो, लेकिन किसी न किसी वजह से आप दोनों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी एक ब्लेम किसी के ऊपर डाल नहीं सकते कि गलती इनकी है या फिर गलती आपकी है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि उस हालात में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हालांकि ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है दोबारा से आपका दिल जीतने की। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटेकल्स। देखो इस पर्सन को भरोसा है कि अगर हम डटे रहें और अगर हम ये समझे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, लेकिन अगर हम डटे रहें तो हमें सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। यही बात है कि क्यों आई थिंक ये पर्सन बार बार कोशिश कर रहा है। आप कह सकते हैं इसका ये ब्लाइंड फेथ है, या फिर ये विश्वास कर रहा है कि चीज़ें डेफिनेटली नॉर्मल हो ही जाएंगी। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और दो कार्ड्स की, यहाँ पे है द मून, सेकेंड मेजर अरकाना का कार्ड, साथ में मिला है विश कार्ड जो कि है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो भाई द मून जो है वो मीन राशि को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के मन में जो है वो हालात बदलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड यही सबसे ज़रूरी बात है। जैसे कि अगर हम इस कार्ड को देखें, बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे जो आपको दिखा है कैट जो है वो अपना स्वरूप कैसे देख रही है, जैसे आप इमेजिन कीजिए, यानी कि भाई हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति होती है लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं करते, और यही तो इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि जो लड़ झगड़ की आगे बढ़ चुके हैं, हालांकि अगर उन्होंने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया होता तो आज वो यहाँ पे नहीं पहुँचे जहाँ पे पहले थे। तो यही बात जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ वो जो शेयर कर रहे हैं कि विश्वास रखो, चीज़ें सही हो जाएंगी, यही उनका आपके लिए गाइडेड मैसेज है। साथ में है नाइन ऑफ कप्स के भी धीरे धीरे ही सही हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर आपने प्लान किया है कि भाई इतने बजे मिलेंगे, शायद थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मिलेंगे ज़रूर। शायद बहुत दूर जाना नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, या फिर विद फ्रेंड्स थोड़ा सा आप हैंग आउट कर सकते हैं। तो यही बात आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं हमें यहाँ पे ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला कार्ड आ गया है एंटीसिपेशन। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई कभी भी आप इच्छाएं करना, प्रार्थनाएं करना मत छोड़ो, चीज़ें कब हमारे फेवर में हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं होगा, तो एक अच्छी बात है। कह रहे हैं कि भाई कोशिश करते रहो, बिकॉज ये पर्सन भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको भी पता है कि दिल की बात कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है मैनिपुलेशन। कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। अगर आप किसी नेगेटिव ओरा में, नेगेटिव थिंकिंग में अटके हुए हैं कि ये नहीं हो सकता, पता नहीं अब क्या होगा, तो ये आपको वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। ये आपको हंसते हुए ही काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप हमेशा स्माइल को कैरी फॉरवर्ड करें, और इसी के साथ वो आपको खुश देखना चाहते हैं। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है लोनली। हाँ, ये पर्सन लोनली है जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अकेलेपन में ही तो आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए यहाँ पे पाइसिस का कार्ड आ गया, यानी कि दम।
ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं जो कि है ट्रस्ट इश्यूज, एंड ये बात कंप्लीटली कुछ बातें क्लियर करती है। जैसे हमने देखा कि अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम इस कार्ड को देखते हैं टॉरस प्लस इस कार्ड को देखते हैं टेन ऑफ पेंटेकल्स, तो हाँ चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर तो दिख रही है, बट अगर कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई आपका फ्रेंड ही हो, वो अगर बार बार कोई इशू क्रिएट करे आप दोनों के बीच, तो फिर थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हो, लेकिन किसी व्यक्ति को लेके भी आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कि भाई ये आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर आपसे बिहेव नहीं कर रहा है ठीक से, तो फिर इनका अच्छा दोस्त आपका अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है ना। सो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे दिखते हैं। साथ में करते हैं इस ओरेकल को ही शफल, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड है स्टार, पब्लिक आई, पॉपुलर, फेमस। तो हाँ, मे बी ये पर्सन और आप दोनों ही शायद बहुत ज़्यादा परिचित हो लोगों को, और इसलिए सबकी निगाहें आपकी तरफ रहती है। यही ये पर्सन भी आपको कह रहा है कि भाई इतने जल्दी उम्मीद मत हारो। सेकेंड, गियर्स, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग सेंस ऑफ इट। हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, आपको लॉजिकली सीखना पड़ेगा, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यही बात वो आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल पुर्जे होते हैं। थर्ड है फोन, टेक्स्ट, फोन कॉल, कम्युनिकेशन। तो हाँ, आप इनके थ्रू एक फ़ोन कॉल या मैसेज तो डेफिनेटली आज कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पर भी मुमकिन हो, ठीक है। बिकॉज आई थिंक इसके पहले भी रीडिंग में ये कार्ड आ गया था, अब भी कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं शायद ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। एंड एक कार्ड देखते हैं जो कि है रूलर, मेजरिंग, प्लानिंग, गेटिंग रेडी। तो हाँ, ये पर्सन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने की, चाहे आपकी प्लानिंग है मिलने की या फिर बात करने की, और इसके लिए कोशिश करता हुआ हमें ये पर्सन दिखता है। सो ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।